गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कमर्शियल बैंक्स, इट्स मीनिंग एंड फंक्शंस, यानी व्यापारिक बैंक का अर्थ, परिभाषा और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्यापारिक बैंकों का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो देखिए, सामान्यतया मुद्रा तथा साख में व्यवहार करने वाली जो संस्था होती है उसको हम बैंक कहते हैं। बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ है और वित्तीय मध्यस्थ जो है वह संस्था या फर्म होती है जो अंतिम ऋणदाता तथा ऋण लेने वाले अथवा बचतकर्ता और निवेशक के मध्य मध्यस्थता का कार्य करती है। बैंक क्या करते हैं? बैंक अल्प बचतों को जनता से संग्रहित करके दीर्घ अवधि के बड़े कोषों में परिवर्तन करके उत्पादक कार्यों में हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो बचतों का निर्माण, साख का सृजन तथा बचतकर्ताओं के मुद्रा दावों का निपटारा करता है। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के कारण बैंकों की कार्यप्रणाली, प्रकृति, व्यवहार में इतना व्यापक परिवर्तन हो गया है कि बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन हो गया है। तो बैंकों की जितनी भी परिभाषाएं जो दी गई हैं, वो सबसे पहले उसमें है सामान्य परिभाषाएं, जनरल डेफिनेशंस। सामान्य परिभाषा में देखिए, एक किनले की परिभाषा है बैंक, और उनके अनुसार बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता न होने पर उन्हें जो है द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। फिर है एक सेकेंड कैटेगरी जो डेफिनेशंस की है, वो है कार्यात्मक परिभाषाओं की। कार्यात्मक परिभाषाओं में सबसे पहले है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, और ये वो संस्था है जहां धन का संग्रहण, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण तथा कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को धनराशि भेजने की व्यवस्था होती है। फिर कार्यों के अनुसार जो दी गई परिभाषाएं हैं, बैंक की संपूर्ण प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाती। जमा प्राप्त करने तथा ऋण देने के आधार पर ही किसी संस्था को बैंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में बैंक इन कार्यों के अतिरिक्त भी अनेक कार्य करती हैं। फिर तीसरी कैटेगरी जो है डेफिनेशंस की, वो है वैधानिक परिभाषाएं या लीगल डेफिनेशंस। इसमें देखिए, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। अतः बैंक को अनिवार्य रूप से दो कार्य करने हैं, पहला जमाओं को स्वीकार करना तथा दूसरा इन जमा राशियों को उधार देना अथवा निवेश करना। बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बैंकों अनेक प्रकार हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, केंद्रीय बैंक, औद्योगिक बैंक। पर जब हम केवल बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य वाणिज्यिक बैंक से होता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करती है। बैंक साख का निर्माण भी करते हैं, जबकि साहूकार आदि साख का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बैंक जो है वो सेठ, साहूकार आदि देशी बैंकर्स का कार्य करते हैं, परंतु देशी बैंकर्स बैंक के कार्य नहीं करते। अब हम लेते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स? तो आरंभ में तो देखिए, बैंक के केवल दो ही कार्य थे, पहला जमाएं प्राप्त करना तथा दूसरा ऋण देना। और आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों के कार्य भी बहुआयामी तथा विस्तृत होते चले गए हैं। आधुनिक बैंकों के प्रमुख कार्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, जनता की जमाओं को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, बैंकों का आधारभूत कार्य है। देखिए, जनता से निक्षेप प्राप्त करना। विनियोग एवं सुरक्षा की दृष्टि से लोग अपनी बचतों का बैंकों में जमा करते हैं। बैंक जनता से अनेक निक्षेप प्राप्त करते हैं। इन निक्षेपों हेतु बैंक विभिन्न प्रकार के खातों की व्यवस्था करता है, और ये जो खाते हैं
ये अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सावधि खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते के अंतर्गत बैंक जनता से एक निश्चित अवधि के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं। जमा राशि की अवधि और ब्याज दर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जमाकर्ता को जमा की रसीद जमाकर्ता को जमा की रसीद दी जाती है, जिस पर जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी रहती है। यह रसीद हस्तांतरणीय नहीं होती है तथा अवधि की समाप्ति पर रकम वसूल करते समय यह रसीद बैंक को लौटानी पड़ती है। अवधि पूर्ण होने से पूर्व यदि जमाकर्ता अपना धन लेना चाहे तो बैंक ब्याज में कुछ कटौती करके उसे उसकी रकम लौटा देता है। निश्चित अवधि खातों में ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरे प्रकार का खाता है बचत खाता, यानी सेविंग बैंक अकाउंट। इस प्रकार के खातों में सामान्य जनता अपनी अल्प बचतों को जमा कर सकती है। बचत खाते में एक सप्ताह में सुविधा अनुसार कई बार धन जमा कराया जा सकता है तथा एक या दो बार धन निकाला जा सकता है। इस खाते में ब्याज दर निश्चित अवधि जो है खातों की तुलना में कम होती है तथा धन निकालने पर सामान्य प्रतिबंध होते हैं। यह प्रतिबंध अलग-अलग बैंकों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अब तीसरा खाता है चालू खाता, यानी करंट अकाउंट। इस प्रकार का खाता व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होता है। इसमें मुद्रा के आहरण तथा निक्षेप पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं व्यवसायिक संस्थाओं जिन्हें प्रतिदिन अनेक चेक देने पड़ते हैं तथा अनेक चेक भुगतान के रूप में स्वीकार करने पड़ते हैं, उनके लिए चालू खाता अत्यंत सुविधाजनक होता है। चालू खाते में जमा रकम पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि अच्छे बैंक अपने ग्राहकों से कुछ सेवा शुल्क या आकस्मिक शुल्क लेते हैं। चालू खातेदार को बैंक उनकी साख अच्छी होने पर अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करते हैं। और सामान्यतः उपरोक्त प्रकार के खाते सभी बैंकों द्वारा खोले जाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, जो बैंकों की समस्त प्रकार की जो जमाएं हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी मांग जमाएं, और दूसरा है आपका टाइम डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो वे जमाएं होती हैं जो ग्राहकों की मांग पर बैंकों द्वारा देय होती है। इसमें चालू खाते तथा बचत खाते की जमाएं सम्मिलित होती है। समय जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट्स, इसमें निश्चित अवधि की जमाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें निश्चित अवधि जमाएं तथा संचयी जमाएं सम्मिलित की जाती हैं। इन जमाओं को सामान्यतया अवधि समाप्त होने पर ही निकाला जा सकता है। समस्त जमाएं बैंकों के लिए दायित्व होती हैं, जो बैंक की तरलता तथा साख सृजन क्षमता को निर्धारित करती हैं। फिर ऋण प्रदान करना, नेक्स्ट जो बैंक का, व्यापारिक बैंक का कार्य है, दैट इज एडवांसिंग लोन्स। ऋण प्रदान करना बैंक का दूसरा आधारभूत कार्य है। बैंकों द्वारा कुल प्राप्त जमाओं में से एक निश्चित भाग नकद कोष के रूप में रखकर शेष राशि को ऋणों के रूप में प्रदान कर दिया जाता है। बैंक जमाओं की अपेक्षा ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूल करके लाभ प्राप्त करते हैं। और बैंकों द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, सबसे पहला है उसमें सामान्य ऋण यानी जनरल लोन्स। इस प्रकार का जो ऋण है वो ऋणी को उचित प्रत्याभूति के आधार पर प्रदान किया जाता है। सामान्य ऋणों की राशि ऋणी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है। दूसरा है नकद साख, कैश क्रेडिट। नकद साख व्यापारियों को स्वीकृत प्रतिभूतियों अथवा व्यापारिक माल की जमानत पर प्रदान किए जाते हैं, और इसमें भी ऋण की राशि ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है। सामान्य ऋण और नकद साख की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि सामान्य ऋण के अंतर्गत ऋणी के खाते में जमा समस्त राशि पर बैंक ब्याज लेता है, लेकिन नकद साख की स्थिति में ऋणी द्वारा निकाली गई राशि पर ही बैंक ब्याज लेता है। फिर है अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट, जो है उसकी सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा केवल चालू खाताधारियों को ही
प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत विशिष्ट, विश्वसनीय और प्रतिष्ठित खाताधारियों को एक निश्चित अवधि के लिए उनके खातों में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की अनुमति दी जाती है। निकाली गई इस अतिरिक्त राशि को ही अधिविकर्ष कहा जाता है। इस प्रकार की जो सुविधा है वो बैंक अल्प समय के लिए ही प्रदान करते हैं। नकद साख और अधिविकर्ष में कुछ अंतर होता है। देखिए, अधिविकर्ष के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल ग्राहक की साख पर निर्भर करती है और अधिविकर्ष की अवधि बहुत कम तथा नकद साख की अवधि अधिक होती है। फिर है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सावधि व्यापारिक विनिमय विपत्रों को समय या अवधि पूर्ण होने से पूर्व यदि बिल का भुगतान प्राप्त करने वाला भुगतान चाहता है तो वह विनिमय विपत्रों को बैंक से भुना सकता है। फिर है चेक व्यवस्था उपलब्ध कराना। नेक्स्ट फंक्शन है व्यापारिक बैंक का, यूज ऑफ चेक्स। फिर है बैंकिंग विनियमन जो अधिनियम है उसकी धारा 49A के अंतर्गत बैंकों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति तथा संस्था या संस्था चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली जमाएं स्वीकार नहीं कर सकता। जमाओं का आहरण करने हेतु चेक उपयोग की सुविधा प्रदान करना वाणिज्यिक बैंकों की अनुपम विशेषता है। फिर है कोषों का हस्तांतरण यानी रेमिटेंस ऑफ फंड्स। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोष हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करती है। अपनी विभिन्न शाखाओं तथा ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर जैसे उपकरणों की सहायता से बैंक ग्राहकों के धन अथवा कोष हस्तांतरण का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है अभिकर्ता संबंधी कार्य यानी एजेंसी फंक्शंस। नेक्स्ट, बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। इनमें से कुछ कार्य बैंक निशुल्क तथा कुछ निश्चित शुल्क लेकर करते हैं। बैंकों की अभिकर्ता संबंधी जो कार्य हैं, सबसे पहला है बैंक विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों का हस्तांतरण करते हैं। इन प्रपत्रों में बैंक ड्राफ्ट, चेक तथा विनिमय बिल आदि प्रमुख है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। फिर बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के प्रीमियम, किराए तथा ब्याज का भुगतान करते हैं। फिर बैंक अपने ग्राहकों के लिए लाभांश, ब्याज, किराया आदि की वसूली अथवा संग्रहण का कार्य भी करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की संपत्ति के लिए न्यासी या प्रबंधक के कार्य भी करते हैं। फिर बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार भी करते हैं। बैंक व्यवसायिक कंपनियों के लिए प्रतिभूतियों के अभिकोपन संबंधी कार्य भी करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था भी करते हैं। अब है दूसरे जो अन्य प्रकार के जो कार्य हैं, तो बैंक देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं बैंक कार्य संपादित करते हैं। जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षक, बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं जिनमें ग्राहक अपने बहुमूल्य वस्तुओं, आभूषण, महत्वपूर्ण पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक इन सुविधा के लिए वार्षिक किराया वसूल करते हैं। फिर यात्री चेकों का निर्गमन, बैंक जनता को उनकी यात्रा के समय आने वाली अनेक जोखिमों से बचाने के लिए यात्री चेक उपलब्ध करवाते हैं और इन यात्री चेकों की सहायता से होटल, रेस्टोरेंट, अन्य स्थानों पर यात्रियों को भुगतान करने में सुविधा रहती है। फिर ग्राहकों के संबंध में आवश्यक सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, बैंक ग्राहकों की शोधन क्षमता संबंधी सूचना के अच्छे सूत्र हैं। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य व्यापारिक बैंकों को देते हैं। फिर बैंक आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन भी करते हैं, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा जिसको हम कहते हैं, चाहे मौद्रिक है, बैंकिंग है, वाणिज्यिक है, आर्थिक है गतिविधियां, सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन बैंक करते हैं। फिर वित्तीय मामलों पर सलाह, एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स भी बैंक करते हैं। फिर सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है, दे आर हेल्पफुल इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। बैंक बाढ़ पीड़ित लोगों, पीड़ितों के कोष, सुरक्षा कोष आदि से संबंधित राष्ट्रीय अनुदानों को संग्रह करने का कार्य भी करते हैं। फिर साख सृजन का कार्य, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बैंक अपनी जमा पूंजी की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं। जमा से अधिक ऋण
बैंक साख सृजन के द्वारा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। साख का सृजन बैंकों द्वारा व्युत्पन्न जमाओं से संभव हो पाता है। साख सृजन के द्वारा बैंकों की कार्य क्षमता तथा तरलता में वृद्धि होती है, जिससे व्यापार तथा वाणिज्य को गति मिलती है। थैंक यू।